हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है गैरिनोक्सासिन टैबलेट। यह आपको 200 mg में उपलब्ध मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो दोस्तों, इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है जीनोक्स, जो कि 200 mg में उपलब्ध मिल जाएगा। यह टैबलेट बहुत ही महंगा है, इसलिए डॉक्टर इसे कम प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन हो गया हो, जलन होता हो, पेशाब करते समय दर्द होता हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। नाक में इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। टोन्सिल बढ़ गया हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो गया हो और कान से पस निकलता हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। निमोनिया या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसमें इस टैबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। ब्रोंकाइटिस की समस्या में इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो गया हो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसका कुछ साइड इफेक्ट इस प्रकार हो सकता है, जिनमें आपको उल्टी या मतली होने लगती है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगे। तो दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ सावधानी के बारे में। तो दोस्तों, इस दवा को कौन कौन से व्यक्ति नहीं ले सकते। यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग की कोई समस्या हो तो उसे यह दवा नहीं लेना चाहिए। लीवर रोगी हो उस व्यक्ति को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी या गुर्दे की बीमारी हो उसमें इस टैबलेट का प्रयोग ना करने दें। दोस्तों, दवा का एलर्जी होता हो उस व्यक्ति को भी इस टैबलेट का सेवन ना कर दें। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद सुबह और शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।